नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा के मुख्य कार्यपालन राजेश कुमार साकेत को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पीड़ित रंजीत सिंह ने लोकायुक्त कार्यालय पहुंचकर शिकायत की थी कि वह ग्राम पंचायत मझियारी का उपसरपंच है। उसकी पंचायत में पक्की नाली निर्माण एवं ग्रेवल रोड निर्माण का कार्य कराया गया था, जिसकी राशि स्वीकृत हो गई है, जिसकी एक किस्त मिल चुकी है। शेष राशि निकालने के लिए विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा राजेश कुमार द्वारा 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। 10,000 पहले ही ले लिया था। शेष राशि देने से पहले लोकायुक्त में शिकायत कर दी, जिसकी जांच कराने के उपरांत आज लोकायुक्त की टीम ने ऑफिस में ही रंगे हाथों पकड़ लिया है। मेरा नाम रंजीत सिंह है, ग्राम पंचायत सरपंच और जनपद पंचायत में वार्ड है। ग्राम पंचायत मझियारी को यहाँ से विंध्य विकास प्राधिकरण से दो कार स्वीकृत हुई, एक नाली निर्माण का और एक रोड निर्माण का, जिसकी कि एक किस्त इन्होंने दे दी थी। यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश कुमार साकेत जी, और दूसरी किस्त पे इन्होंने पैसों की डिमांड की थी। इन्होंने 40,000 रुपये की डिमांड की थी, जिसमें मैंने इनको 10,000 रुपये दे दिया था। और जब इन्होंने ज़्यादा परेशान किया तो मैंने लोकायुक्त में शिकायत की इनकी, और आज इन्हें 30,000 रुपये दे करके लोकायुक्त में ट्रैक करवा दिया। क्या नाम आपका? रंजीत सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम सुजावल, ग्राम पंचायत मझियारी, नगौर जिला। और जो रिश्वत मांगे उनका क्या नाम है? उनका नाम है राजेश कुमार साकेत। ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं और जेडी के पद में भी हैं, विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा में। की गई किस प्रकार कार्रवाई थी और किसके ऊपर हुई है, कितने रकम लिए? आज विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश कुमार साकेत को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए ट्रैक किया गया है। शिकायतकर्ता उप सरपंच श्री रंजीत सिंह, जो कि ग्राम पंचायत मझियारी के उप सरपंच हैं, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में नाली निर्माण एवं ग्रेवल रोड निर्माण का कार्य कराया है, जिसकी राशि निकलना है और राशि स्वीकृत भी हो चुकी है और कुछ राशि इनको प्रदान कर दी गई है, और जो शेष राशि बची है उसको देने के लिए आनाकानी की जा रही है और उनसे 40,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है, जिसमें से 10,000 रुपये धमकी दे करके, राशि नहीं निकालने का धमकी दे करके ले लिए गए हैं। 30,000 रुपये और रिश्वत की मांगी जा रही है। इस बात का सत्यापन लोकायुक्त संभाग रीवा के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राज गोपाल सिंह धाकड़ साहब द्वारा सत्यापन कराया गया, जो कि शिकायत सही पाए जाने पर आज ट्रिक कार्रवाई आयोजित की गई थी। श्री राजेश कुमार साकेत मुख्य कार्यपालाधिकारी विंध्य विकास प्राधिकरण रीवा को रिश्वत राशि 30,000 रुपये लेते हुए ट्रैक किया गया। सर कार्रवाई कहाँ होगी? सर ये उनके कार्यालय कक्ष में ही की गई है, जो शिल्पी प्लाजा ए ब्लॉक रीवा में।